वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कुकिंग विद वंदना। और आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ जो कि है राजमा करी बनाएंगे। आज हम राजमा मसाला करी, तो चलिए बनाते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम बनाने के लिए कुकर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ राजमा उबाला नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे, इसलिए हम कुकर का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें हम होल स्पाइस डाल देंगे, तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। अच्छा उसका फ्लेवर आने देंगे जब तक। फिर यहाँ से 3 से 4 प्याज है जिसको मैंने पीस लिया है, अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और हमारी प्याज ने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। अब यहाँ हम 3 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 चम्मच और हल्दी 1/2 चम्मच, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले ना जले, मसाला अच्छे से कुक हो। और गरम मसाला 2 चम्मच मिला लेंगे। और यहाँ पे मैंने 4 टमाटर पीस के, और लहसुन 2 चम्मच, और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट पीस के पेस्ट बना लिया था। अब हम नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ी देर ढक कर ऐसे ही पकाएंगे जब तक हमारा मसाला न भुने। 5 से 10 मिनट बाद ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। अब ये राजमा है जो मैंने रात को सोख करके रखा था, इसको मैंने उबाला नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कुकर में बना रही हूँ। अगर आप उबाल के बनाते हैं तो आप फिर कढ़ाई में बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। आलू ऑप्शनल है, यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं जिसके मैंने 6 पीस कर लिए, ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो ना डालें। मसाले में अच्छे से कोट कर लें और गर्म पानी डालें, हमेशा की तरह जैसा मैं कहती हूँ गर्म पानी ही ऐड करें। और यहाँ पानी हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा राजमा कच्चे हैं, उबले नहीं हैं, और जब हमारे पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे, 6 से 7 सीटी आने तक इसको पकाएंगे या जब तक राजमा अच्छे से गल ना जाए। 1/2 घंटे बाद ये देखिए मैंने इसका प्रेशर जब निकल गया खुद से तब मैंने इसको ओपन किया है। ये देखिए हमारा राजमा करी बन के एकदम तैयार है, ये देखिए ये खाने के लिए एकदम तैयार है। अब ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। आप इसको चावल या रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। हमारा राजमा बनके एकदम तैयार है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी और आसान रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, इसी तरह से आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।